प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद के उद्यम को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दो दिवसीय उद्यम समागम का सह एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन नौका विहार के समीप नुमाइश ग्राउंड में किया गया, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर खादी ग्रामोद्योग, हैंडलूम, कृषि मत्स्य नियोजन, बैंक के स्टॉल लगाए गए थे, जिसका अवलोकन सांसद शिव प्रताप शुक्ला, डॉक्टर सत्या पांडे सहित अन्य लोगों द्वारा किया गया तथा स्टॉल लगाने वालों को प्रोत्साहित भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, ये सर रिलायंस डिजिटल से हम लोग हैं। अच्छा, वहाँ का सर आपका जो आपका HDFC का कैशबैक है, आपका 10% कैशबैक आपका सर। बैंक से लगवाया है? बैंक का? नहीं नहीं, बैंक से ही आपका। ये सर डाइया पे सर बैंक कानपुर तथा उत्तर प्रदेश सरकार के जिला उद्योग एवं संसाधन केंद्र है। किसी स्थान पर पढ़ते हो लघु उद्योग उद्यम समागम एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत उद्यम को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दो दिनों तक चलने वाली प्रदर्शनी का आज शुभारंभ। आए हुए सभी लाभार्थियों एवं सम्मानित जनता अभी 500 एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तथा उत्तर प्रदेश सरकार के जिला उद्योग एवं गोरखपुर के नहीं होनी चाहिए। मैं आप सभी उपस्थित लोगों से चाहूंगा भाई, ये कार्यक्रम आप ही लोगों के लिए जी रहे हैं, ये बहुत ही खास पल है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना वन डिस्ट्रिक्ट एक जनपद एक उत्पाद, यह सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण योजना है। मंत्री के रूप में सिद्धार्थनाथ सिंह है, इसका सबका मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ के कार्यक्रम को सभी लोग देखें। देखने के बाद न केवल उसको खरीदें, बल्कि जो उस उद्योग के साथ जुटे हुए हैं, माइक्रो उद्योग के साथ, मीडियम उद्योग के साथ, स्मॉल उद्योग के साथ, उनको प्रोत्साहन जा रहा था कि इसका क्या मूल्य है। वास्तव में अगर यही सामग्री आप ले जाकर के दिल्ली के जनपथ पर आप रख दीजिए, वहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं, तो अगर ये अपना मूल्य 100 रुपया बता रहे हैं,
तो इनकी कलाकृति को देख करके, बनाने की पद्धति को देख करके वहाँ आए हुए बाहर के लोगों के द्वारा 5,000-10,000 रुपए में भी उसको बड़े आसानी से खरीद करके अपने यहाँ ले चले जाए। देखिए, भारत सरकार के एमएसएमई डिपार्टमेंट और उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग के द्वारा मिलकर के प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वह प्रसिद्ध हो, उसमें लोग जुटें और उस युग कला से जुटे हुए लोगों को उसका सही मूल्य मिल सके। मुझे लगता है कि इस प्रदर्शनी को इसी नाते लगाया गया है, जब एमएसएमई का बजट आता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में उस बजट को बढ़ा करके दिया गया, पहली बार बढ़ा करके 2014 के बाद से दिया गया और अब वह काफ़ी कार्य कर रहा है। आज मुझे ये लगता है कि अगर भारत के लोगों को रोजगार देना है तो सबको एमएसएमई से जोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के लगभग आज हम देखें तो इसी अकेले मुद्रा लोन लगभग 36 करोड़ से ऊपर लोगों को दिया जा चुका है और बिना जमानत के दिया जा चुका है। उसका मैक्सिमम लाभ जो है, अधिकतम लाभ जो है, वो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए उद्योगों के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया, लेकिन वह बड़े उद्योगों से दबे ना, इस नाते इस प्रकार की प्रदर्शनी का ये किया गया है। मैं सराहना करता हूँ विभाग की भी कि उन्होंने किया, लेकिन साथ ही साथ विभाग को ये भी कहना चाहूँगा कि यह केवल प्रदर्शन की वस्तु न रह जाए, बल्कि अगर प्रधानमंत्री की सोच है, मुख्यमंत्री की सोच है, तो उस सोच के आधार पर उनको उसका लाभ मिला। इसी नाते हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं और मेरा आग्रह है कि आप लोगों से भी कि आप अपने माध्यम से इसको बताएं, ताकि अधिकारी भी अपनी मनमानी न कर सकें और इन कला छोटे छोटे जो उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, स्थानीय उत्पादों के आधार पर जुड़े हुए लोग, उसका लाभ मिले। प्रॉब्लम यही है कि इनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है। नहीं, एमएसएमई में ब्याज दर कम है, उसके लिए ये नहीं है कि उतना नहीं है, फिर भी मार्केट की कठिनाई जरूर है और इसके लिए विभाग के लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि उनको मार्केटिंग दें।